चपरौली के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आज अखिल भारतीय खोकर महासम्मेलन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय खोकर महासम्मेलन में वक्ताओं ने समाज की कुरीतियों और उनके समाधान ऊपर भी चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव कार्यान्वित करें जिससे कि समाज का भविष्य शिक्षित हो। समाज को गिरती आर्थिक स्थिति से कैसे उभारा जाए। वक्ताओं ने कहा कि खोकर गोत्र के उनके पदाधिकारी आने वाले पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं जो उच्च पद पर आसीन है। इनके मार्गदर्शन में बच्चों की अच्छी शिक्षा और संस्कार दिलाने का कार्य किया जाएगा जिससे वे भी आगे बढ़कर अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। सम्मेलन में खोकर गोत्र के संगठन को मजबूत करने, बुराइयों को दूर करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मेरा शुभ नाम है दूधाराम खोकर, मैं सीकर जिला राजस्थान से यहाँ आया हूँ। आज हमारे खोकर समाज की ओर से अखिल भारतीय खोकर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी में जब मुझे निमंत्रण मिला तो बहुत हर्ष हुआ कि एक खोकर समाज के में भी एक इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य प्रयोजन यही है कि खोकर समाज के लोग आपस में एक दूसरे को जाने, समझें, उनके बीच जागरूकता फैले, वो लोग एकजुट हों और अपनी समाज की जो नवयुवक पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, उसे एक सलाह प्रदान कर सकें, उसे एक दिशा प्रदान कर सकें, ताकि वह नवयुवा पीढ़ी, हमारे समाज की नवयुवा पीढ़ी आगे जाकर अच्छे अच्छे पदों पे पहुँचे, या फिर जब कृषि भी करे तो कृषि को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से करें, व्यापारिक क्षेत्रों में भी जाए तो वहाँ भी सफलताएँ प्राप्त करें। और इस तरह जब हमारे समाज की पीढ़ी, नवयुवान पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश को भी उसमें फ़ायदा मिलेगा, देश को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए ये जो सम्मेलन का इसका मुख्य प्रयोजन है खोकर समाज के लोगों को एक दूसरे को जानना, समझना और एक होकर एकता बनाए रखकर अपने समाज के नवयुवकों को आगे बढ़ाना, उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करना, उनको सही दिशा प्रदान करना। थैंक यू। जी, मेरा नाम ईशा चौधरी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अमरोहा। जी, ये खोकर गोत्र की तरफ से, स्पेशली जाट कम्युनिटी के खोकर गोत्र की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें कि उन सब बच्चों को बधाई दी गई है जिन्होंने खोकरों में अच्छे प्रशासनिक या स्पोर्ट्स में अच्छा पद प्राप्त किया है। और बहुत सारे पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से खोकर गोत्र के ही लोग स्पेशली एकत्रित हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। क्या संदेश देना चाहोगे? शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्य। सूरज बहान खोखर उर्फ पटवारी, गांव कंसाला, जिला रोहतक। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है क्या है? ये खोखरों का महासम्मेलन पूरे भारतवर्ष के वहाँ प्रतिनिधि और आमदनी आप पूछे। इस सम्मेलन में क्या ऐसी बातें रखी जाएगी, किस लिए आयोजित किया गया सम्मेलन? ये सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया है कि खोखरों के आयामी असली आगे आने वाली नस्लें उन विकास कैसे हो, उन्हें तरक्की कैसे हो, खुशहाली कैसे हो, समाज में भाईचारा कैसे हो, देश प्रदेश इलाके का तरक्की कैसे हो, वो अपना योगदान दे सकें। अपनी धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर केपी फुकर। आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या है पूरा बताइए इसके बारे में। ये है कि पूरे हिंदुस्तान के खोकर गांव 311 हैं, उनके सभी के यहाँ आमंत्रित किए गए। किस लिए आमंत्रित किए गए? इसलिए किए गए कि रामलाल जाट जो हुए उनकी जयंती है। क्या 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 जो है निर्णय लिए जा रहे हैं इसमें? निर्णय तो ये लिए जा रहे हैं कि जो खोकर समाज है उसके लिए, समाज के उत्थान के लिए और इकट्ठा होने के लिए पहली मीटिंग है ये खोकरों। अच्छा, पूरे देश में कितने गांव हैं खोकर के? हमें ये पता था कि 6 गांव हैं या 8 हैं, अब लगा पता कि 311 गांव। किन किन राज्यों में हैं ये? लगा ये है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश। आने वाले पीढ़ियों के लिए संदेश? आने वाले पीढ़ियों के लिए वो है संदेश कि जितने खोकर हैं वे एक साथ हैं।